This video is dedicated to all lovely mothers. Mother is the beauty and sunshine of life. This is Vidita and welcome back to our channel. Today we'll be making 3 DIYs which you can gift it to your mothers. I'll be using things which I already have at home. Don't worry, there can never be a better gift than what is handmade. तो चलिए शुरू करते हैं. Our first DIY is a wall art. इस वॉल आर्ट के लिए मैं लेने वाली हूँ इस टाइप का वुडन पीस. ये बेसिकली एक फ़ोटो फ्रेम का बैक साइड है. इसे सबसे पहले हम पेंट कर देंगे वाइट प्राइमर से. नेक्स्ट हमें चाहिए इस टाइप का एक प्लास्टिक कंटेनर, छोटा सा प्लास्टिक कंटेनर बेसिकली. इसे हम हाफ में डिवाइड कर देंगे. So basically I'll be using a knife to cut it into 2 equal portions. इसका जो ऊपर का wrapper है हम इसे निकाल देंगे और इसमें भी हम white primer लगा देंगे. हम बस इसका half portion use करने वाले हैं. इस white half cup को हम इसे इस तरह से चिपकाने वाले हैं, पर उसके पहले हम इसे color करेंगे. सो माई फर्स्ट कलर इज़ अ ब्लू कलर. मैंने एक डार्क ब्लू कलर में वाइट मिक्स करके ब्लू कलर से हम रैंडम शेडिंग कर लेंगे. देन आई एम गोइंग टू मिक्स अ ग्रीन कलर विद इट. और थोड़ा सा पॉपी एंड फ्लैशी बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग येलो कलर. इसे हम अच्छी तरह से ब्रश से मिक्स कर लेंगे. अगर आपके पास स्पॉन्ज डाबर हो तो आप उससे अच्छे से डैब करके सारे कलर्स को अच्छे से मर्ज कर सकते हैं. तो देखिए ये बेस इस तरह से रेडी हो चुका है. अब आप इसमें चाहे कोई भी कोट लिख सकते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट मॉम यूजिंग वाइट एक्रेलिक कलर. इस वाइट प्लास्टिक कप को भी हम पेंट कर लेंगे. तो मैंने बेसिकली ब्लू कलर से पेंट कर दिया है और जो इसकी ऊपर की रिम है उसमें गोल्डन कलर लगा दिया है. मुझे वो काफ़ी कलर लाइट लगा तो आई एक्चुअली पेंटेड इट विथ डार्क ब्लू कलर. इसे हम फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लेंगे. इसका लुक और एनहांस करने के लिए हम गोल्डन कलर के डॉट्स बना लेंगे. So you can put up some flowers and this beautiful wall art is ready. The next DIY, I'm going to take this tin can. ये basically मेरे पास रखा हुआ था तो I'm going to use this. If you don't have a tin can, you can also use a plastic can as well. सबसे पहले हम इसमें white primer लगा लेंगे. मैंने दो कोट्स प्राइमर लगा लिए तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है. मैंने इसके ढक्कन को भी वाइट प्राइमर से पेंट कर दिया है. इफ़ यू डोंट हैव प्राइमर देन यू कैन आल्सो यूज़ एक्रेलिक कलर. नेक्स्ट हम सेलो टेप लेंगे और इसमें इस तरह से वर्टिकली स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे इक्वल डिस्टेंस में. ये देखिए कुछ इस तरह से हम पूरे कैन में इस तरह से स्ट्रिप्स लगा लेंगे. तो यू कैन सी मैंने ये पूरे कैन में इस तरह से स्ट्रिप्स लगा लिए हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज पिंक कलर एंड अप्लाई इट थ्रू आउट. तो ये देखिए ये पूरे कैन में हमने इस तरह से पेंट कर लिया है. अब हम इस टेप्स को एकदम स्लोली रिमूव करेंगे. सो यू कैन सी इट गिव्स अ वेरी नीट फिनिश. तो ये देखिए ये कम्प्लीटली रिमूव हो चुके हैं और ये कुछ इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप्स दिखेगी.
आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर वन थिंग. मैंने यहाँ पे इस टाइप की सेलो टेप यूज़ करी थी पहले, बट वाइल यूजिंग दैट ये इसमें का पेंट भी पील होके आ गया था. सो इंस्टेड ऑफ दैट यूज़ दिस काइंड ऑफ पेपर टेप, इट वर्क्स वेरी वेल. सो नेक्स्ट जो मैंने किया है, मैंने इसे पेपर टेप से इस तरह से रैप किया है. तो ये देखिए, ये पूरे कैन में हमने इस तरह से अब हॉरिजॉन्टली ये पेपर टेप्स को लगा लिए हैं. अब इसे हॉरिजॉन्टली पेंट करना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से. सो लाइक यू कैन सी, पूरे कैन में हम पेंट कर चुके हैं. और जस्ट लाइक बिफोर, वी आर गोइंग टू रिमूव दिस पेपर टेप. मेक श्योर दैट यू रिमूव इट वेरी वेरी स्लोली, अदरवाइज देयर आर चांसेस दैट द पेंट विल ऑल्सो कम आउट विद इट. तो आप ये देखेंगे कि निकालने के बाद कई जगह ये पेंट निकल जाता है, या यू नो द इट्स नॉट अ वेरी फाइन फिनिश. तो हम एक ब्रश की हेल्प से इसे टचेस दे के अच्छे से फिनिश कर देंगे. ऑल राइट, सो नाउ यू कैन सी इस तरह से एक चेकर्ड पैटर्न इस टिन कैन में बन गया है. अब जो दो स्ट्रिप्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जहाँ पे ये दो स्ट्रिप्स मिलती है, वहाँ पे उस स्क्वायर को हम डार्क शेड से पेंट करेंगे. उसी कलर का एक डार्क शेड है, तो बेसिकली वाइट शेड जब मैंने लाइट तो बेसिकली जब लाइट शेड मैंने बनाया था, तो मैंने इस डार्क शेड में वाइट कलर मिक्स कर दिया था. एंड नाउ टू एनहांस दिस, आई एम यूजिंग द सेम डार्क शेड. तो इस तरह से हमें सारे चेक्स भर देने हैं. So now you can see this tin can is ready for use. You can fill it up with chocolates or dry fruits or anything that your mom likes and you can gift to her. So for the third DIY, I am going to use Fevicryl Molded, ki easily available hote hai shops mein. Iske andar is type ke do components rehte hai jinhe hame achhi tarah se mix karna hai, kuch is tarah se. We have to mix it till the time it changes its color to white. सो बेसिकली इससे हम पेटल्स बनाने वाले हैं. तो पेटल्स बनाने के लिए मैं एक राउंड शेप बना के उसको फ्लैटन करके आई एम गोइंग टू गिव इट अ लीफी और अ यू नो पेटल सॉर्ट ऑफ अ शेप टू इट. ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनेंगे और मैंने ऐसे काफ़ी सारे बना के रखे हैं. अब फ्लावर का बेस बनाने के लिए हम इस टाइप का एक टिन कैप ले सकते हैं. अगर ये नहीं है तो आप एक कार्डबोर्ड पीस ले लीजिए और इसे भी वाइट प्राइमर या वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लीजिए. अब ये जो पेटल्स हैं, इन्हें हम फेविकॉल की हेल्प से इसमें स्टिक करेंगे. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हेन यू स्टिक इट. इस तरह से लाइक आई सेड, मैंने काफ़ी सारे बना के रखे हैं और इन्हें भी हम सीक्वेंस में अरेंज करके स्टिक कर लेंगे. सो नाउ यू कैन सी दैट द फ्लावर इज रेडी एंड वी आर गोइंग टू पेंट इट विथ वाइट एक्रेलिक कलर. ये इसमें वाइट कलर हो चुका है. एंड नाउ यू कैन कलर दिस यूजिंग एनी कलर ऑफ योर चॉइस. आई एम गोइंग टू पेंट इट विथ पिंक कलर. तो बाहर की जो पेटल्स हैं उनमें डार्क पिंक और जो अंदर की पेटल्स हैं उसमें लाइट पिंक कलर करने वाली हूँ. सो लुक, दिस फ्लावर इज रेडी एंड जस्ट टू यू नो एनहांस एंड ब्यूटिफाई इट्स लुक, आई एम गोइंग टू पेंट इट विथ golden acrylic color. So basically I'm just going to you know give a touch up to all the edges. So this is how the lotus candle holder looks like.
So go ahead, make these kind of simple DIYs and gift it to your moms. I hope you all have enjoyed this video. If there are any questions or any comments, do leave it in the comment section below. And if you haven't subscribed, then do consider subscribing. Do follow me on Instagram as well. My Instagram handle is Vidita C. See you next time. Bye-bye.